नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रश्न। आज की मैं चर्चा करने वाली हूँ शिव और पार्वती के संवाद पे। शिव पार्वती का संवाद इस बात का था कि माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि महादेव, क्या गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं? तो आइए दोस्तों, जानते हैं माता पार्वती और भगवान शिव का ये संवाद। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, गंगा में डुबकी लगाने से क्या सच में धुलते हैं पाप? गंगा स्नान से पापों का नाश होना बतलाया गया है, परंतु नित्य गंगा स्नान करने वाले लोग भी पाप में प्रवृत्त होते देखे जाते हैं। एक समय शिवजी महाराज पार्वती जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिवजी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही? शिव जी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पापनाशनी गंगा में स्नान किया ही नहीं है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर सूखे भी नहीं है। शिव जी ने कहा, ये केवल जल की डुबकी लगा कर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। शिव जी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन निवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो, और निकलने की चेष्टा करने पर भी वह निकल ना पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारते रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझे असहाय की सहायता करे। शिव जी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो, और यदि आप निष्पाप हैं तो ही हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गईं। आने जाने वालों को सुना सुना कर शिव जी की सिखाई हुई बातें कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोक लज्जा से डरे, तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, तो कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बूढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सचरित पुरुष थे, उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहा कर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं होम करते हाथ ना जल जाए। बूढ़े को निकालने जाकर इस स्त्री के कथनानुसार हम स्वयं भस्म ना हो जाएं, किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा, पार्वती, देखा आया कोई गंगा में नहाने वाला? थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर गया, उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। माता पार्वती ने उसे रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही तुम भस्म हो जाओगे। उसे उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती जी से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ? भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी कोई पापी रहता है?
किसी के पाप रहता है, तेरे पति को अभी निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृत अर्थ किया। शिव जी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी वृतांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्रत जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का मिलता है वास्तविक फल। तो दोस्तों, उम्मीद है मेरी इस जानकारी से आपको समझ आ गया होगा कि गंगा में स्नान करने से पाप धुलते हैं, पर हमारे मन में वो विश्वास और भाव भी होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद।